जय श्री राम दोस्तों। और आज फिर से स्वागत है टेक्सटाइल इंद्रजीत यादव चैनल में आप लोगों का। और आज के टॉपिक रहेगा कि सैंपल कितने प्रकार के होते हैं, गारमेंट लाइन में सैंपल कितने प्रकार के होते हैं, इस पर चर्चा चलेगी। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दिया करें, जिससे मनोबल हमारा डाउन हो जाता है, लाइक नहीं आते हैं। लाइक आते तो मनोबल हमारा बढ़ा हुआ रहेगा और मैं कोशिश करूँगा वीडियो को लाने के लिए। और कमेंट भी किया करो, आप लोग कमेंट करके मेरे को बताएं, और जो भी क्वेश्चन है कमेंट द्वारा नीचे मुझे पूछें, मैं कोशिश करूँगा तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब देने की। तो दोस्तों आज कमेंट भी आया था और मैं सोचा था कि गारमेंट में सैंपलिंग के बारे में कुछ बताएंगे, तो गारमेंट में सैंपल कितने प्रकार के होते हैं इस पर आज चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। तो इससे पहले यह चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेलेक्ट कर लें, जिससे कि हमारी जो आने वाली वीडियो हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। और जो लोग वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, वो लोग वीडियो को शेयर भी करें। जिन लोगों के पास वीडियो नहीं जा पाती है, वंचित रह जाते हैं, उन लोगों को शेयर कर दिया करें, ठीक है। तो आज के बारे में मैं यही कहूँगा कि आज सैंपलिंग के बारे में कुछ चर्चा चलेगी इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि गारमेंट में सैंपल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हमारे गारमेंट लाइन में या अदर भी लाइन में सैंपलिंग प्रोसेस हर लाइन में ही होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि गारमेंट में ही सैंपलिंग प्रोसेस होता है, हर जगह सैंपलिंग प्रोसेस होता है। तो मुख्यतः मैं पढ़ा हूँ सैंपल लगभग 14-15 प्रकार के होते हैं। तो उन सैंपलों पे कौन कौन से प्रकार के सैंपल होते हैं उस पर हम आज थोड़ा सा आपको जानकारी देंगे। और मुझे लगता है कि इन सारे सैंपलों जितने 14 प्रकार के सैंपल होते हैं सारे सैंपल पे काम होता है। तो लोग ये जानना चाहते होंगे सैंपल कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रोटो सैंपल होता है। प्रोटो सैंपल कैसे तैयार करते हैं हम गारमेंट लाइन में, जैसे हम गारमेंट लाइन की बात ही करेंगे तो प्रोटो सैंपल ऐसा होता है कि वायर द्वारा या वायरिंग हाउस द्वारा एक स्क्रैच आता है, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो डिजाइनर हैं उनको एक प्रोटो तैयार करते हैं। उनके अकॉर्डिंग जो भी उस स्क्रैच में और डिटेल में जो भी फैब्रिक वगैरह जो भी मटेरियल है वो दिया होता है, थ्रेड वगैरह है, प्रिंट वगैरह है, डाई वगैरह है, जो भी दिया होता है वायर की तरफ से उसके अकॉर्डिंग हम जो है प्रोटो तैयार करवाते हैं और उस प्रोटो को हम वायर के पास भेजते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रोटो सैंपल होता है। उसके बाद जो है फिक्स सैंपल होता है नंबर दो पे, फिर उसके बाद साइड सेट सैंपल होता है, साइड सैंपल नंबर थ्री पे आता है। उसके बाद सेल्समैन सैंपल होता है, फिर फोटोशूट सैंपल होता है, डेवलपमेंट सैंपल होता है, पीपी सैंपल होता है, टीओपी सैंपल होता है, उसके बाद काउंटर सैंपल भी होता है और शिपमेंट सैंपल भी होता है और शोरूम सैंपल भी होता है, जीपीटी सैंपल होता है और गोल्ड सील सैंपल होता है और रेड टैग सैंपल होता है और डिजिटल गारमेंट सैंपल होता है। ये लगभग 15 प्रकार के सैंपल हैं। अब कहाँ पे किस जगह कितने सैंपल पर वर्क होता है, कहाँ पे कैसा प्रोसेसिंग है, ये अलग अलग तरीके से हैं कि वायर और एक्सपोर्टर के बीच में कम्युनिकेशन कैसा है। अगर वायर पुराना है तो वो 1-2-3 सैंपल ही मंगाता है, प्रोटो मंगा लेगा, उसके बाद साइज सेट मंगा लेगा, ठीक है, उसके बाद पीपी मंगा के और ये ऑर्डर दे देता है। अब ये अलग अलग कंडीशन है कि हर इंडस्ट्री में वायर या वायरिंग हाउस से उनके कॉन्टैक्ट कैसे हैं, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग ये काम होता है। तो आज के बारे में आप लोगों ने नोट कर लिया होगा कि सैंपल 15 प्रकार के होते हैं और इन्हीं सैंपलों के अकॉर्डिंग
काम होता है कंपनी में, और तब जाके ऑर्डर आता है। ठीक है, तो आज की चर्चा यही थी कि सैंपलिंग कैसे होती है और सैंपल कितने प्रकार होते हैं। सैंपलिंग का और आपको विस्तार से बता ही दिया है कि भैया प्रोटो स्क्रैच के द्वारा हमारे डिजाइनर जो है प्रोटो को तैयार करके भेजते हैं, फिर वायर उसको वेरीफाई करता है, फिर वायर अपने हिसाब से उसको साइज सेट वगैरह के लिए बोलते हैं। साइज सेट के लिए हर साइज में उसके पास सैंपल जाता है, ठीक है, उसको ओके करता है। प्रिंट वगैरह है, ठीक है, कलर वगैरह कोई भी है, डाई वाई है, डाई या टाई डाई जो भी है उसको वो वेरीफाई करता है। उसके बाद तब जाके वो है ऑर्डर करता है, हर चीज़ क्लियर करने के बाद ऑर्डर करता है। तब वायर की तरफ से ऑर्डर आ जाता है, फिर जो भी इंडस्ट्री है, जो भी इम्पोर्टर है, वो उस समय उस सारी चीज़ों की डिटेल निकालता है, कॉस्टिंग निकालता है हर चीज़ की, धागे से लेके प्रिंटिंग से लेके फैब्रिक से लेके सारा पूरा कॉस्टिंग निकाल के उस वायर को डिटेल में भेज देता है कि भैया ऐसा है कि हमें इतनी कॉस्टिंग आई है इस पीस में बनाने के लिए। तो उस हिसाब से फिर वायर अपना, और उसके बाद उनका जो भी 20% 30% कमीशन होता होगा वो अलग से होता है, ठीक है, कॉस्टिंग के अलावा। तो उसके बाद फिर वायर अपना डिस्कस करता होगा, उसके समझ में आता होगा तो उसी के अकॉर्डिंग वो क्या नाम है ऑर्डर देता है। ऑर्डर देने के बाद फिर अपना ये सारा अप्रूवल मिल ही जाता है। जब वायर देता है ऑर्डर मिल जाता है अप्रूवल पीपी वगैरह के, जैसे पीपी हमारा प्री प्रोडक्शन जो मीटिंग से जो तैयार होता है पीपी सैंपल, वो उस सैंपल के अकॉर्डिंग ही हमारा क्या होता है प्रोडक्शन तैयार होता है। जो भी बल्क होता है वो बल्क उसी के अकॉर्डिंग तैयार होता है, उसी में से फिर टीओपी निकाल दिया जाता है, टॉप ऑफ प्रोडक्शन टीओपी भी निकाल के कोई एक पर्टिकुलर साइज में दो सैंपल भेज दिए जाते हैं, एक वाइंग हाउस के लिए और एक वायर के लिए, और एक काउंटर जो सैंपल होता है। काउंटर सैंपल होता है, लेकिन काउंटर हर चीज़ का काउंटर होता है, प्रोटो का, एसएमएस का, पीपी का, साइज सेट, ठीक है, एसएमएस, जितने भी सैंपल हैं उनका एक एक काउंटर अपने पास रखना होता है ताकि बाई चांस कोई प्रॉब्लम आती है तो हम मिला सकते हैं। तो काउंटर सैंपल का मतलब किसी भी सैंपल का एक काउंटर पीस रखना भी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, टीओपी का दो पीस जो है एक बाइंग हाउस भेज देते हैं और एक वायर के पास चला जाता है, और एक काउंटर सैंपल होता है वो हमारे कंपनी में ही रहता है, इंडस्ट्री में ही रहता है, ठीक है। उसके बाद जब आपका पूरा प्रोसेस हो जाता है, जब शिपमेंट तैयार हो जाती है फिनिश करके, उसके बाद जो भी थर्ड पार्टी वगैरह होती है तो वो सैंपल, वो थर्ड पार्टी वाला उस सैंपल को डिमांड करता है, आपका सैंपल है या फिर जो है पीपी है उसके अकॉर्डिंग वो उस सेगमेंट का इंस्पेक्शन करता है, ठीक है। तो आज के बारे में यही था कि सैंपल कितने प्रकार के होते हैं और प्रोसेस क्या है, और मुझे लगता है कि मैंने डिटेल में जाके ना शॉर्ट में ही बता दिया है कि आप लोग समझ पाएँ। अगर नहीं समझ पाए तो कमेंट करके नीचे जो है पूछ लें, कोई भी डाउट क्लियर हो जाए आपका तो उसके लिए भी फिर मैं बताऊंगा वीडियो द्वारा, जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट द्वारा पूछें, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही है बहुत, कि सैंपल कितने प्रकार के होते हैं और सैंपल प्रोसेस क्या है, ठीक है, सैंपलिंग कैसे होती है, क्या कनेक्शन होता है वायर का और इंडस्ट्री से। तो आज के लिए बस इतना ही, जय श्री राम दोस्तों, और हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और शेयर करें और कमेंट जरूर करें, पूछें जरूर हमारी, अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम दिखाई दे तो उस पर भी कमेंट करें, कोई आपको डाउट है उसको भी कमेंट करके पूछ लें, कमेंट जरूर करके पूछें ताकि हम उसका संशोधन कर सकें, ठीक है। और जितना कमेंट करते रहोगे मैं वीडियो आपको लाता रहूँगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।